ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रध्वज। राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का दिया मंत्र। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4 नए जिले मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ के साथ ही 18 नई तहसीलें बनाए जाने की घोषणा की और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771-2235-091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के संबोधन में श्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया। उन्होंने देशवासियों और दुनिया भर में उन सभी लोगों को बधाई दी जो भारत और लोकतंत्र से प्रेम करते हैं। श्री मोदी ने देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सभी स्वाधीनता सेनानियों का ऋणी है। श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में देश को गौरव दिलाने वाले सभी प्रतिभागियों को भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से लड़ाई में निर्भीक सेवा करने वाले सभी लोगों को नमन किया। श्री मोदी ने कहा कि देश इस वर्ष 12 मार्च से 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें केवल अमृत महोत्सव तक ही सीमित नहीं रहना है। 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा, जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना और आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से देश के प्रत्येक नागरिक के साथ जुड़ना होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार छोटे किसानों के कल्याण पर ध्यान दे रही है। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधे उनके खाते में जमा करा दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया और इसीलिए देश ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी।
छत्तीसगढ़ में भी 75वां स्वाधीनता दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश का वाचन करते हुए मुख्यमंत्री ने अनेक घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनिन्द्रगढ़ का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में 18 नई तहसीलें भी बनाई जाएंगी। आज मैं जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़ के गठन की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और नगर निगमों में महिलाओं के लिए अलग से मिनी माता के नाम पर एक उद्यान विकसित करने और महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन समाप्त करने की भी घोषणा की। प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन है। आज मैं युवाओं के हित में आयु सीमा के इस बंधन को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा बिजली कंपनियों के विभिन्न पदों पर 2500 से अधिक कर्मियों की भर्ती की जाएगी। साथ ही डायल 112 सेवा का पूरे प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए नगरीय क्षेत्रों में लागू मुख्यमंत्री सस्ती दवाई योजना अब श्री धन्वंतरी योजना के नाम से जानी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 व्यक्तियों और 4 शासकीय अस्पतालों को सम्मानित किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इसी तरह बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सभी न्यायाधीश, महाधिवक्ता और अधिवक्ता मौजूद थे। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 76 कर्मचारियों और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी ने कोंडागांव जिला मुख्यालय में तिरंगा फहराया। वहीं कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश का वाचन किया। इधर महासमुंद के मिनी स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने ध्वजारोहण किया। समारोह में उन्होंने 19 शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 55 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। वहीं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने रायगढ़ में और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दुर्ग में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उधर बस्तर जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह सादगी के साथ मनाया गया। जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय सहित सभी मंडलों में स्वतंत्रता दिवस गरिमा और परंपरा के साथ मनाया गया। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी तरह जनसंपर्क संचालनालय में आयुक्त डॉ एस भारतीदासन ने ध्वजारोहण किया। वहीं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की भिलाई स्थित सीमांत और क्षेत्रीय मुख्यालय में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीएसएफ छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक महानिरीक्षक एएस मलिक ने ध्वजारोहण किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ में है थाना, गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई में जल जीवन मिशन है 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के द्वार तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाए की योजना शुरू करे है। जीमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सबो मनखे मल्ला पानी उपलब्ध कराए जाए। अब हर जल्ला मिल ही जल, हर घर पानी छत्तीसगढ़ ने थानी। पहुँचा दो पानी कुरिया कुरिया मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी बर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। 75वां स्वतंत्रता दिवस बस्तर संभाग में भी आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में माओवाद प्रभावित इलाकों में भी इस बार ग्रामीणों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के बाद जिन गांवों में नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है और वे ग्रीन जोन में शामिल हो गए हैं, वहां के ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों के साथ इंद्रावती नदी पर छिन्नार पाहुरनार में बने पुल पर पहली बार आजादी का जश्न मनाया।
बनाया। सुरक्षा में तैनात जवानों सहित इलाके के बच्चों ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान भी गाया। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर लोग अब समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं और वे माओवाद को पीछे छोड़कर विकास की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं। जल्द ही इस इलाके को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं बीजापुर जिले में करीब 16 वर्षों के बाद दूरदराज के गांवों में स्थित 14 स्कूलों में आज स्वतंत्रता दिवस पर उत्सव का माहौल देखा गया। छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर स्कूल पहुंचे। इन स्कूलों के भवनों को माओवादियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन ग्रामीणों की मदद से प्रशासन ने इन स्कूलों को फिर से खोल दिया है। इसी तरह माओवाद प्रभावित एक अन्य जिला सुकमा के मिनपा गांव में आजादी की वर्षगांठ एक नया सवेरा लेकर आई है। यहां करीब 16 साल बाद रोशनी पहुंची है। सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद यहां सड़कें बनी और बिजली आपूर्ति भी बहाल कर दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग आज से 3 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिल्म महोत्सव आयोजित कर रहा है। महोत्सव में स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों पर 20 वृत्तचित्र फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 17 अगस्त तक ये वृत्तचित्र फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर दिखाए जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मानसून द्रोणिका के साथ ही ऊपरी हवा में चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में भी बारिश होने की स्थिति बन गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दुर्ग जिले के अंजुरा स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने होम हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत निशुल्क औषधीय पौधों का वितरण भी किया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जगदलपुर के शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कुपोषण मुक्ति अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा कल 16 अगस्त को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सड्डू में तकनीकी पदों की पूर्ति के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा और दुर्ग जिले के भिलाई में कल कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई जाएगी। भिलाई नगर निगम ने इसके लिए 30 सेंटर निर्धारित किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का दिया मंत्र। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4 नए जिले मोहला मानपुर सक्ती सारंगढ़ बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ के साथ ही 18 नई तहसीलें बनाए जाने की घोषणा की और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।